नमस्कार, स्वागत है आपका MSIR न्यूज में। रुड़की पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों के सभी समस्याओं को दूर करेगी, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार की स्थिति किसानों के ऋण माफी की नहीं है। सीएम ने भारतीय किसान यूनियन पर तल्खी जाहिर करते हुए कहा कि यूनियन अपनी राजनीति कर रही है, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। सीएम ने कहा कि गन्ने के दामों को कम करने के लिए वह बैठक के बाद निर्णय लेंगे। पेशे रुड़की से दिलशाद खान की रिपोर्ट। स्टैंड है बड़ा क्लियर है कि हम किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, उनको मॉरल सपोर्ट देंगे, समय पर उनको खाद पानी उपलब्ध कराएंगे और उनको सस्ते ब्याज दर पर हम कृषि ऋण उनको उपलब्ध कराएंगे। और हमने जो वायदे किसानों से किए थे, किसान भाइयों से किए थे, उसको हमने पूरा किया है। मैंने शुरू से ही स्पष्ट कहा है कि हमारी स्थिति ऋण माफी की नहीं है। हमारी जो स्टेट है, हमारे रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वो बहुत सीमित हैं, और इसलिए हमने किसानों से जो वायदा किया था वो आज हमने वो वायदा निभाया है। हम सस्ते ब्याज दर पर उनको ऋण दे रहे हैं और हमने कहा कि हम इसके बड़े बड़े मेले लगाकर हम इसकी शुरुआत करेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना है, ये किसान यूनियन के नेता हैं, उनको अपना यूनियन चलाना है, वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। गन्ने के दाम तो घोषित होंगे, गन्ने के दाम भी हम बहुत जल्दी उसके लिए बैठकर निर्णय ले लेंगे। और अभी एक शुगर मिल को छोड़ करके लगभग बाकी शुगर मिलों ने अपना पेमेंट कर दिया है। मैं समझता हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ है।